subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रजौरी हाई स्कूल खान नंबर एक में हमारे संवाददाता ने दौरा किया और उन्होंने वहां पाया कि तीन शिक्षक बिना किसी आकस्मिक अवकाश के 6 दिन से अनुपस्थित हैं और अन्य 3 धूप के लिए स्कूल से बहुत दूर बैठे हैं और कई छात्र 11 बजे के करीब मैदान में खेल रहे थे लेकिन उन्हें वहां सिखाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। अधिक जानकारी के लिए डेस्क दिखाना ठाकुर के साथ रजौरी से मोहम्मद आबिद की एक खास रिपोर्ट। नाजरीन आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, अभी जब हमने यहाँ विज़िट किया तो ये बच्चों को बिठाया गया, तो जब हम यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे रास्ते से हमने देख लिया कि यहाँ बच्चे नाच रहे हैं और स्टाफ के जो यहाँ मुलाजमीन हैं वो जाके कहीं दूर धूप लगा रहे थे और यहाँ बच्चे जो नाच रहे थे। अभी रास्ते में हमें कुछ बच्चे मिले, हमने उनसे भी पूछने की कोशिश की कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको छुट्टी की गई है या आपको लंच ब्रेक है क्या। उन्होंने ये बोला हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ जो है वो पढ़ाई नहीं हो रही है हमारी, तो हमें जो हमारे सब्जेक्ट थे वो हमने अपने सब्जेक्ट को वो जो टीचर आए थे वही पढ़ाए हैं, तो हम अब घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैं ये भी बता दूं जब हमने यहाँ विज़िट किया तो कोई भी यहाँ स्टाफ का बंदा क्लासरूम में मौजूद नहीं था, अभी हमें देकर इन्होंने ये बच्चे बैठाए हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूँ ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं, ऐसे ऐसे टीचर भी हैं जो गवर्नमेंट इनको बच्चों के लिए ये सैलरी दी जाती है और ये बच्चे अगर बाहर घूमें और ऐसे इनकी ज़िंदगी के साथ ये खेला जा रहा है। नाजरीन आपको ये मैं बता दूं ऐसे ऐसे बैकवर्ड एरिया हैं, ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं जहां कोई भी, आज सुबह हमने ऐसे ऐसे स्कूल में विज़िट किया जहां 12 बजे तक कोई भी टीचर मौजूद नहीं था और यहां भी हमने थोड़ी देर पहले विज़िट किया, ये खा नंबर एक हाई स्कूल है और यहाँ बच्चे बाहर नाच रहे थे, टीचर कहीं दूर जाके जंगल में धूप लगा रहे थे और इन बच्चों के लिए इनको सैलरी अगर। नाजरीन आप देख रहे हैं जीके अर्ली न्यूज़, मैं आपका मेज़बान आबिद और आज हम इस वक्त मौजूद हैं खान नंबर एक में, यह हाई स्कूल है। आपको हाई स्कूल की हम कंडीशन बताने जा रहे हैं, ये बच्चे हैं 3 ही बच्चे यहाँ क्लास में मौजूद हैं और यहाँ देख रहे हैं मैंने अचानक ही विज़िट किया और मैं आपको ये भी बता दूँ सभी बच्चे बाहर नाच रहे थे और जो यहाँ के स्टाफ है वो बाहर ही खड़ा था। मैं आपको ये भी बता दूँ ये बच्चों की ये हालत है और ये हाई स्कूल की बिल्डिंग है। मैं आपको ये भी बता दूं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आपको ये भी बताएगा कि कोई भी बच्चा नहीं है जो क्लास रूम में बैठा है, सभी बच्चे बाहर ही खड़े हैं और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बाहर ही खड़ा था, तो कोई बच्चों की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ऑफिस है, अभी इस ऑफिस के अंदर कोई भी ऐसा स्टाफ मौजूद नहीं है। आपको मैं ये भी बता दूँ, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो आपको ये भी बताएगा कि कोई भी स्टाफ का बंदा यहाँ अभी मौजूद नहीं, अभी मैंने अचानक ही विज़िट किया तो मैं आपको ये भी बता दूँ सभी टीचर बाहर थे, बच्चे नाच रहे थे जबकि 1:12 से लेकर 1 बजे तक जो टाइम होता है लंच ब्रेक का टाइम होता है, तो अभी 1:30 बज चुका है, तो अभी सभी टीचर भी बाहर हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी नाच रहे हैं। आइए मैं आपको ये कौन सी क्लास है, 10, ये 9th क्लास है। आप देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है, अभी सभी बच्चे 1:30 बजे का टाइम है, अचानक ही हमने विज़िट किया, ये आप देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है। और ये देखो यहाँ चावल की जो बोरियाँ हैं वो यहाँ रखी हुई हैं, वो बच्चे इसके पीछे बैठ के जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी स्टाफ यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसको कट करो।